हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज तड़का सेहत में बनने जा रहा है स्पेशल पाव भाजी, वो भी बिना झंझट के और झटपट बनने वाली, बिना प्याज लहसुन की चातुर्मास स्पेशल। तो चलिए, उसके लिए क्या क्या लगने वाला है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप लौकी ली है, 1/4 कप गोभी ली है और एक मैंने शिमला मिर्च ली है। इसको मैंने डाइस में कट कर लिया है और मटर 1/4 कप लिए है। तो क्या करना है, एक स्टीमर में हमें पानी उबालना है और उसमें 1-2 नींबू की स्लाइस डाल देनी। इससे क्या होता है ना, हमारा जो नीचे का तला है ना, वो बिल्कुल भी काला नहीं होता है। तो मैंने स्टीमर में सारी वेजेस डाल दी है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल मतलब स्टीम ले लेंगे, आप बॉईल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे इंस्टेंट बनने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉईल किया है। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी यूज कर सकते। तो ये ठंडा होने के बाद मैंने इसे मिक्सर में मटर को छोड़ के बाकी सब वेजेस को दरदरा पीस लिया है और मटर को अलग से पीस लूँगी। अब क्या करना है, एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है और यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च जिसको स्प्लिट में कट करके मैंने तल लिया है। ये हमारी पाव भाजी भाजी के साइड प्लेट वाली डिश है। जैसे अनियन वगैरह खाते हैं ना, तो हम आज हरी मिर्च फ्राई करेंगे और ऊपर से नमक डाल के इसे साइड में रख देंगे। सेम कढ़ाई में मैंने जीरा, राई और हींग डाल दिया है। अब इसे अच्छे से तड़कने के बाद मैंने इसमें 4-5 करी लीव्स के पत्ते डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर की प्यूरी कर ली है पहले से ही, उसे हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसे बिल्कुल धीमी आंच पर। अब मैंने सारी वेजेस जो ग्राइंड कर ली थी अच्छे से, एक बात ध्यान रखनी, इसे हमें ज़्यादा दरदरा या ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, मीडियम होना चाहिए। इसमें मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें जाएगा मटर की प्यूरी जो मैंने दरदरी पीसी है, बिल्कुल भी अलग से पीस लिया है। इसको अलग से इसलिए पीसना है क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो साथ में भी इसे पीस सकते हैं। इसे डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप प्याज लहसुन खाते हो तो टमाटर की प्यूरी के पहले हमें प्याज और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, उसके बाद प्यूरी ऐड करनी है। अब इसमें जाएंगे हमारे स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जितनी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून धना पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला मैंने 2 टीस्पून भर के डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस स्टेज पे पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने पूरी तरह से स्किप किया है। बिना पाव भाजी मसाले के भी ये बहुत टेस्टी बनती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे घी डाला है। आप चाहे तो बटर का यूज भी कर सकते हैं। बटर हमें इतना पसंद है इसलिए मैंने सिर्फ घी डाला है। घी से भी इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने
रॉ बनाना लिए है कच्चे केले, इसे अच्छे से बॉईल करके मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, आप इसकी जगह आलू भी डाल सकते हैं, बट जैन पाव भाजी बनानी इसलिए मैंने यहाँ पे कच्चे केले का यूज किया है। अब हम हमारे भेजी साहब कुक हो गई अच्छे से एक बार चेक करेंगे, और इसमें हम कच्चे केले का जो मैश किया है उसे हम ऐड कर देंगे। और एक यहाँ पे खास बात यह है कि लौकी बिल्कुल ऑप्शनल है, बट ये मेरे सिस्टर की बहुत सीक्रेट टिप है जो मैंने आज यूज़ की है, तो सच में भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना लौकी के साथ। इसमें 1/4 कप जितना मैंने पानी ऐड किया है अच्छे से कुक होने के लिए, और नीचे ये नहीं जले इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर हमें पानी की ज़रूरत और लगी तो हम डाल देंगे, हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए है। मैंने और 1/4 कप जितना पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे भी हमने पूरी सब्जियां ग्राइंड की है, आप चाहे तो करें नहीं तो कोई नहीं। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने 1 more teaspoon घी डाल दिया है, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे ताकि ये साइड में अच्छे से अपना ऑयल छोड़ दे। बस इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एक प्लेट में मैंने सर्व कर दिया, ऊपर से धनिया पत्ती डाल दी है, और आप चाहे तो ऊपर से बटर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है जो साइड में दिख रहा है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।